मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। सोमवार को राष्ट्रीय धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज के नेतृत्व में पदाधिकारी फिरोजाबाद के थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव सिकरारी पर पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ियों में भरकर लाई गई भेड़ बकरियों को सड़क पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आगरा से एटा जाने और आने वाले वाहनों की लाइन लग गई। पदाधिकारियों ने सरकार के विरुद्ध में जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि धनगर जाति के प्रमाण पत्र से केंद्र सरकार में मंत्री है, इसी प्रमाण पत्र से टूंडला विधायक हैं, जहाँ तक जिला पंचायत सदस्य और अन्य लोग हैं जिनके धनगर जाति के प्रमाण पत्र बने हुए हैं। ये सभी प्रमाण पत्र सपा सरकार में बने थे, लेकिन भाजपा सरकार ने अभी तक एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनादेश तो जारी कर दिया, लेकिन तहसीलों में आवेदन करने पर उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। भाजपा सरकार ने धनगर समाज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी जाति के प्रमाण पत्र जारी कराए जाने की मांग की है, उन्होंने सरकार से की है मांग। देखिए धनगर शक्ति न्यूज पर यह है समाचार। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। आपको खबर हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार, देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज।